नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपने बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट लाइव प्रोसेस जाने वाले हैं। तो बने आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग क्या है और नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसे बैंक ऑफ इंडिया या लगभग सभी बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी प्रकार के चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, यह बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, इसके हेल्प से आप अपने अकाउंट की बहुत सारी सर्विसेज को आप अपने घर बैठे ऑनलाइन नेट बैंकिंग हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके हेल्प से आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं। फंड यानी मनी ट्रांसफर करना चाहे तो आप ऑनलाइन घर बैठे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, पैन ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने ATM को एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं, पिन चेंज करना चाहें तो पिन चेंज कर सकते हैं, FD RD ये सब ओपन करना चाहें तो आप घर बैठे नेट बैंकिंग हेल्प से आप ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विसेज है जिसका यूज आप नेट बैंकिंग हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को ऑनलाइन घर बैठे एक्टिवेट करने के लिए आपको किन किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के घर बैठे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट आपके बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड सेकेंड आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड कोई भी एक एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, तो मैं अपने डिवाइस में पहले से ऑडियो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। आप कोई ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, bankofindia.co.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर के सर्च बार में आपको बैंक ऑफ इंडिया टाइप करके सर्च करना है। ओके, आपको बैंक ऑफ इंडिया टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस वाले वेबसाइट https://bankofindia.co.in पर क्लिक करना है। नीचे आपको बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है या इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से विजिट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स से ओपन हो रहा है तो ओपन होने तक वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, से वेबसाइट फाइनली ओपन हो चुका है तो आपको इसे कुछ इस तरह का बैनर्स होगा तो इसे आपको कट करना है। कट करने के बाद नेक्स्ट आपको फिर से की के आइकन पर क्लिक करना है। की के आइकन पर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को आपको कन्फर्म कर लेना है, यही ऑफिशियली वाले। ओके, उसके बाद से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको यहाँ टॉप में एक 3 डॉट्स का आइकन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसे आपको डेस्कटॉप साइड में इनेबल कर लेना है। ओके, ऑफिस या लैपटॉप में कर रहे तो ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ राइट कॉर्नर में यहाँ आपको पेज को जूम करेंगे तो यहाँ आपको एक इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पर्सनल के सामने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग लॉगिन करने के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ हम लॉगिन नहीं करेंगे, हमें पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ कीबोर्ड के नीचे एक न्यू यूजर का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने से पहले यहाँ कुछ बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पास एक पासबुक होना चाहिए ताकि वहाँ से आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, एंड सेकंड आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर स्टोर होना चाहिए, एंड थर्ड आपके पास ATM यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन घर बैठे फुल फैसिलिटी के साथ आप बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट फुल फैसिलिटी के साथ एक्टिवेट नहीं कर सकते। मीन्स आप भी फैसिलिटी के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो। मीन्स आप बैलेंस देख सकते हैं बट ट्रांसफर करना चाहें मनी तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आप विदाउट ATM करेंगे तो। ओके, अगर ATM के साथ करेंगे तो आप मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं देखने के साथ। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपको सिलेक्ट फैसिलिटी के सामने व्यू ओनली के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से व्यू ओनली के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको व्यू ओनली को सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप फुल फैसिलिटी के साथ एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अकाउंट नंबर को एंटर करना है या आपके पासबुक मिल जाएगा तो वहाँ से देख रहे हैं एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो आपके बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो भी फोन नंबर रजिस्टर्ड है उसे आपको एंटर करना है, कंट्री कोड के साथ 9191 के साथ। ओके, उसके बाद से जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप्चा सही से विजिबल नहीं हो रहा है तो नीचे रिफ्रेश कैप्चा के ऑप्शन पर क्लिक करें तो एक कैप्चा सही से आपको दिखने लगेगा, तो इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उसमें यहाँ एंटर करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो भी फोन में रजिस्टर्ड होगा
उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे कि फर्स्ट में आपको आपके डेबिट कार्ड का जो भी फर्स्ट 4 डिजिट है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद सेकंड में लास्ट 4 डिजिट को एंटर करना है। उसके बाद से थर्ड में यहाँ आपको अपने एक्सपायर डेट को एंटर करना है MMYY के फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट आपके ATM का जो भी पिन है उसे आपको एंटर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ आप ATM का पिन एंटर कर सकते हैं, कोई भी यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ आपको नेट बैंकिंग क्रिएशन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो इसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद यहाँ आपको एग्री करना है यानी टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे इंटरनेट बैंक का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले यहाँ टॉप में कुछ गाइडलाइंस देंगे, इसे आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट बताया जा रहा है कि अगर आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी BOB यानी बॉब है तो उसका पासवर्ड बॉबी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से आपका पासवर्ड मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए और आपके पासवर्ड ओनली लेटर्स एंड डिजिट का कंबाइंड नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, मीन्स केस स्टडी होना चाहिए। उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। पासवर्ड के कुछ एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पासवर्ड को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लॉगिन पासवर्ड के सेक्शन में आपको पासवर्ड एंटर करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए गए स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल दें उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद जो यहाँ पासवर्ड एंटर किया उसे आपको यहाँ री एंटर करना है। उसके बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का मैसेज होगा। यू रिक्वेस्ट टू क्रिएट इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी सक्सेसफुल, मीन्स आपका जो भी रिक्वेस्ट है इंटरनेट बैंक का सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, मीन्स आपका नेट बैंकिंग सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ नीचे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो नीचे आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स दिए गए हैं, तो इसे आपको नोट कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट में आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नेम और आपके नेट बैंक का लॉगिन यूजर आईडी दिया गया है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। ये लॉगिन करते समय आपको काम आएगा। ओके, तो इसे आपको नोट कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि आपका नेट बैंकिंग 1 वर्किंग डेज बाद ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो गया, बट इसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। इसे एक्टिवेट होने में 1 वर्किंग डे लगेंगे, तो आपको 1 वर्किंग डे तो वेट करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी नेट बैंकिंग एक्टिवेट किए हैं, तो आपको कल नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, अभी आपका लॉगिन नहीं हुआ। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट अगर आपका नेट बैंकिंग लॉगिन होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपका नेट बैंकिंग 1 वर्किंग डे बाद एक्टिवेट हो जाता है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप जो अभी आईडी और पासवर्ड, जो ये लॉगिन यूजर आईडी है और जो अभी पासवर्ड क्रिएट किए पीछे, उस डिटेल्स को एंटर करके आप नेट बैंकिंग को आराम से लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना। भले मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।